নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি সুপ্রীতি, রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। চোখ রাখব আপডেট খবরের দিকে। প্রচন্ড গরম, গরমের হাত থেকে রাজ্যবাসীকে রক্ষার জন্য এবার পথচারীদের মধ্যে ঠান্ডা পানীয় বিতরণের কর্মসূচি আমরা দেখেছি এর আগে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে। তবে এবার পশ্চিম জেলার জেলাশাসক এবং ডিস্ট্রিক্ট টিআরএলএম এর যৌথ উদ্যোগে ঠান্ডা পানীয় বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। ডিএম অফিসে সংলগ্ন এলাকায় ঠান্ডা পানীয় বিতরণ স্বয়ং পশ্চিমের জেলাশাসক, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার তিনি উপস্থিত, এবং বিশাল কুমার নিজের হাতে পথচারীদের মধ্যে ঠান্ডা পানীয় বিতরণ করলেন। একদিকে প্রচন্ড গরমে যখন ওষ্ঠাগত প্রাণ, সাধারণ জনজীবন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই জায়গাতে বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন সংগঠন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রত্যেকেই জলছত্রের আয়োজন করছেন। এবার পশ্চিম জেলার জেলাশাসকের পক্ষ থেকে জলছত্রের আয়োজন, স্বয়ং জেলাশাসক নিজে হাত বাড়িয়ে দিলেন, জল তুলে দিলেন পথচারীদের মধ্যে। কি বক্তব্য উঠে এসেছে জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমারের, শুনুন। सभी को पता है कि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और कई जगहों पे गर्म हवाएं बह रही हैं, जिसकी वजह से खासकर जो मजदूर लोग हैं, रिक्शा चालक हैं, उनको बहुत कठिनाई हो रही है और शरीर में पानी की कमी होने की वजह से तरह तरह की बीमारियां और बाकी तरह की समस्याएं भी हमारे, खासकर हमारे फेस कर रहे हैं। इसको देखते हुए हमने टीआरएलएम के माध्यम से और बाकी जो हमारे नागरिक हैं उनके माध्यम से एक जन भागीदारी का शुरू किया है। हम लोगों ने न्यूज़पेपर और मीडिया में भी देखा है कि कई हमारे अपने नागरिक, जागरूक नागरिक भी इन राह चलते हुए की मदद करने के लिए आ रहे हैं। उसी के अनुसार हमने भी अपने ऑफिस की तरफ से, अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये एक नया इनिशिएटिव लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह के इनिशिएटिव आम नागरिक भी लेंगे, इंस्टीट्यूशंस भी लेंगे, ताकि आने वाले एक दो महीने, जब तक ये भीषण गर्मी पड़ती है, खासकर मजदूरों, रिक्शा चालक और आम जो कम्यूटर्स हैं उनको रास्ते में कुछ रिलीफ मिले, पीने का पानी मिले और वो स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ ये हमने इनिशिएटिव शुरू किया। सर, आपको वशिष्ठपुरा डिस्ट्रिक्ट का डीएम है, तो आपको वशिष्ठपुरा जिला में हर नागरिक के लिए क्या मिस रहेगा इस गर्म? देखिए, अभी जो जितना वो लोग अवॉइड कर सकें गर्मी का जो टाइम है, खासकर सुबह 11 बजे से लेके शाम 3 बजे तक का ये जो 4 घंटा बहुत तेज़ धूप आती है, इसको अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें, जब भी घर से निकलें तो पानी की बोतल साथ में लें। अगर उनको कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, जैसे आंखों के सामने अंधेरा चाहता है, तो इमीडिएटली ग्लूकोन डी अथवा ORS लें। और कोई भी बीमारी, किसी भी तरह की छोटी बड़ी, डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाएं। और साथ ही साथ छाते का इस्तेमाल करें, टोपी का इस्तेमाल करें या गमछा है उसका इस्तेमाल करें और डायरेक्ट धूप और सनलाइट में आना अवॉइड करें। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि ये मौसम कुछ इम्प्रूव होगा और हमारे लोगों को राहत मिलेगी। আপনারা শুনলেন জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমারের বক্তব্য। এই রোদের এবং এই গরমের হাত থেকে বাঁচতে প্রত্যেকে সাবধানতা অবলম্বন করে চলুন, সেই বার্তায় দেওয়া হয়েছে জেলাশাসকের পক্ষ থেকে। এবং প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বাড়ি থেকে না বেরোনোর কথাও জানানো হচ্ছে, অন্তত পক্ষে সকালবেলাটুকু। বিশেষ করে জলছত্রেরও আয়োজন চলছে বিভিন্ন জায়গাতে, মানুষকে সুস্থ রাখার জন্য, স্বাভাবিক রাখার জন্য এই আয়োজন বলে জানা যাচ্ছে। ছোট বিরতির পর ফিরব, সঙ্গে থাকুন।